हेलो गाइस एंड मोस्ट वेलकम इन डॉक्टर विनीता अरोड़ास क्लास। सो गाइस, आज का टॉपिक हमारा है अर्थमैटिक मीन इन इनडायरेक्ट मेथड। तो गाइस, शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमैटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे होता है। डायरेक्ट मेथड की बात हमने अपने पिछले वीडियो में की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो गाइस, शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड यदि इंडिविजुअल सीरीज में लिया जाए तो सबसे पहले आपको जो करना होगा वो ये कि एक काल्पनिक माध्य को गणना करनी होगी। ये काल्पनिक माध्य क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ये कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, चाहे आपका ईयर ऑफ बर्थ हो सकता है, या कोई भी संख्या जो एग्जिस्ट करती है वो संख्या आप ले सकते हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से, यानी आपकी कन्वीनियंस के लिए, मैं चाहूंगी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि क्वेश्चन की सीरीज में जो संख्या अवेलेबल है उसमें से ही कोई एक संख्या आप अज्यूम मीन लें। इससे फायदा ये होगा कि जब हम डेविएशन लेंगे तो कोई एक संख्या जिसे आपने अज्यूम मीन माना है उसका डेविएशन जीरो हो जाएगा। सो गाइज, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अज्यूम मीन जब आप सजेस्ट करते हैं, जब आप अज्यूम मीन का निर्धारण करते हैं, तो सीरीज में से ही उपलब्ध किसी संख्या को आप अज्यूम मीन या ए कैलकुलेट करें, डिटरमाइन करें। सो गाइज, ये अज्यूम मीन ए कहलाएगा। आगे देखते हैं क्या होगा। सभी ए वैल्यूज में, यानी एक्स वैल्यूज में से ए वैल्यू को माइनस किया जाएगा। यानी जो भी आपने ए डिटरमाइन किया है उसे आप सभी एक्स वैल्यूज में से माइनस करिए। और गाइज, ये कहलाएगा डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। इसे हम नोटेशन देंगे डी एक्स का। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी एक्स का मतलब किसी भी तरह से डी मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं है। यहाँ डी के साथ सब स्क्रिप्ट में एक्स लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन इन द एक्स सीरीज, यानी एक्स सीरीज से अज्यूम मीन से डेविएशंस लिए गए हैं, तो ये डी एक्स कहलाता है। अब इस डी एक्स की सारी वैल्यूज, यानी जो डेविएशंस लिए गए हैं फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यूज, उनका आप समेशन कर दीजिए और वो कहलाएगा समेशन डी एक्स। फाइनली फॉर्मूला यूज कीजिए जो हमने बताया था, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। देखिए, यहाँ पर फॉर्मूले को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपना बेसिक कंसेप्ट साथ में लेकर चलते हैं जो हमारे एवरेज का है, वो है इकाइयों की संख्या। देखिए, यहाँ पर फिलहाल हमारी इकाइयों की संख्या, ये डेविएशन कहलाएगा। इकाइयों का योग, ये हमारा डेविएशन कहलाएगा। इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या, जो हमारी इकाइयों की संख्या है वो एन के नाम से नोटेशन दिया जाता है। साथ ही में, क्योंकि हमारे हमने यहाँ पर डी एक्स की गणना की है, डी एक्स की गणना यानी डेविएशन फ्रॉम अज्यूम मीन, अज्यूम मीन से हमने डेविएशंस लिए हैं, इसलिए यहाँ पर अज्यूम मीन को और जोड़ दीजिए तो यहाँ पर एक्स बार की गणना हो जाएगी। देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि डायरेक्ट मेथड से एक्स बार का कैलकुलेशन करना या अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना ज्यादा सरल है। जी हाँ, ये ज्यादा सरल है। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन गाइस, आपको जब तक क्वेश्चन में स्पष्ट पूछा नहीं गया है तब तब आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज ना करें। आप हमेशा डायरेक्ट मेथड का यूज करते हुए ही अर्थमेटिक मीन या एक्स बार की गणना करें। तो ये केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आपको पूछा गया है कि अप्रत्यक्ष विधि या इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करना है तो ही इस विधि का यूज कीजिएगा। तो देखते हैं गाइस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर ए से लेकर जे तक के स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, साथ ही में उनकी हाइट्स दी हुई है। ये आपको क्लियर कट इंडिकेशन है कि एक इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि एक्स वैल्यूज ही आपके सामने हैं, कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। नाउ, अब आपने ए अज्यूम किया। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि कोई भी एक संख्या जो कि आपकी क्वेश्चन की सीरीज में हो उसे ए अज्यूम कर लें। आप किसी भी संख्या को ए अज्यूम कर लें, आपका सेम आंसर निकलने वाला है। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन किया गया है उसमें ए इज इक्वल टू 160 है। तो गाइज, ए इज इक्वल टू 160 हमने सीरीज में से ही लिया है, ए इज इक्वल टू 160। नाउ गाइज, यहाँ पर आप डेविएशन लेना शुरू कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला है एक्स माइनस ए का, मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी, रिकॉल करवाना चाहूंगी गाइज, कि जब तक आप
ये फॉर्मूला यूज करते हैं यानी डेविएशन यूज करते हैं तो एक्स माइनस ए ही कीजिएगा, ए माइनस एक्स गलत हो जाएगा। तो मैं स्पेशली आपका यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी एक्स माइनस ए के लिए, यानी जो हमारी एक्स वैल्यूज गिवन है उसमें से ए को माइनस करना है। तो करते जाइए, देखिए 165 माइनस 160 प्लस का 5, 180 माइनस 160 प्लस का 20, 157 माइनस 160 इज इक्वल टू माइनस 3। तो गाइज यहाँ पर आप सारे ही वेरिएशंस कैलकुलेट कर लीजिए, सारे ही डेविएशंस कैलकुलेट कर लीजिए। दो बातें ध्यान रखिए, एक्स माइनस ए करना है और ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस को इग्नोर मत कीजिएगा। यदि कोई वैल्यू माइनस में आ रही है तो उसके लिए माइनस जरूर लिखिए, क्योंकि ये आपके टोटल यानी समेशन ऑफ डी एक्स को वेरिएट करेगा। सो गाइज यहाँ पर आप ये चीज़ स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो हमने सबसे पहले ए डिटरमाइन किया, उसके बाद डेविएशन निकाल लिए, हमारा थर्ड स्टेप हमने उनका समेशन कर लिया और समेशन जो हमें मिला है वो 30, यानी सिग्मा डी एक्स हमारे पास 30 है। तो फॉर्मूला यूज कीजिए गाइज, फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का, और इसमें हम अपना फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। सिग्मा डी एक्स है हमारा 30, एन है हमारा टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है 10, और साथ ही में जो हमने ए अज्यूम किया था वो है 160। तो गाइज हमारा मीन जो कैलकुलेट हुआ है वो 163 सेंटीमीटर हुआ है। सो गाइज यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड से काम करें चाहे आप इनडायरेक्ट मेथड से काम करें, दोनों का उत्तर समान रहने वाला है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, चाहे इनडायरेक्ट मेथड में आप काम कर रहे हो और किसी भी अज्यूम मीन के साथ काम कर रहे हो, कोई भी संख्या के साथ काम कर रहे हो, अज्यूम मीन आपने कुछ भी अज्यूम किया हो, आपका आंसर सेम ही रहने वाला है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल आप हमारे स्टेप्स को अच्छे से याद रखिए प्लस हमारे फॉर्मूले को याद रखिए, तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से भी कैलकुलेशन बहुत ईजी से कर सकते हैं। आगे चलते हैं गाइज, इनडायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। यदि डिस्क्रीट सीरीज में यदि इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि का यूज लेना है तो किस तरह से स्टेप्स होंगी देखिएगा। सबसे पहले ए अज्यूम करिए, जो ये ए अज्यूम होगा वो ए अज्यूम मैं फिर सजेस्ट कर रही हूँ कि आपकी जो एक्स सीरीज गिवन है उस एक्स सीरीज में से ही किसी एक संख्या को ए मान लीजिए। फिर वही डिविएशन लीजिए, एक्स माइनस ए कीजिएगा जो आपका डी एक्स बनेगा। उसके बाद एक स्टेप और आपको स्पेशली फॉलो करनी होगी, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज़ है तो आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी फ्रिक्वेंसी भी होगी। यस गाइज, तो यदि हमारे पास फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है तो ऐसी स्थिति में जो हमने डी एक्स किया है, जो हमने डी एक्स का कैलकुलेशन किया है, इस डी एक्स के कैलकुलेशन को फ्रिक्वेंसी से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो होगा एफ डी एक्स, डिविएशंस और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन। नाउ समेशन कर दीजिए यानी सिग्मा एफ डी एक्स कैलकुलेट करें और फाइनली फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला कुछ इस तरह से, वही इकाइयों का योग, जो हमारा इकाइयों का योग बनता है वो है समेशन एफ डी एक्स का बटा इकाइयों की संख्या डिवाइडेड बाय एन। यहाँ मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी, यदि सीरीज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है तो यहाँ एन से मतलब सिग्मा एफ से होगा, और साथ ही में क्योंकि अज्यूम मीन से कैलकुलेशन किया है तो यहाँ पर इस अज्यूम मीन को और जोड़ दिया जाएगा। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला बनेगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ या एन। जल्दी ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज। देखिए एप्लीकेशन दिया हुआ है कि एक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीन वेज, वेजेस आपको गिवन है शॉर्टकट मेथड से यानी इनडायरेक्ट मेथड से। तो देखिए जो क्वेश्चन आपको गिवन है, 35% यानी 35 लोग हैं जिन्हें ₹4.50 की दर से मजदूरी मिलती है, इसी तरह से 40 लोग हैं जिन्हें ₹5.50 की दर से मजदूरी मिलती है, 48 लोग हैं जिन्हें ₹6.50 की दर से मजदूरी मिलती है, और इसी तरह से 22 लोग हैं जिन्हें ₹11.50 की दर से मजदूरी मिलती है। गाइज तो यहाँ पर आप देखिए हमारा एक्स वैल्यू और फ्रिक्वेंसी कौन सा होगा। तो देखिए जो हमारा फिक्स पॉइंट है
वो हमारी एक्स वैल्यू कहलाती है, जबकि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंट यानी हम टेली बार्स दे सकते हैं, यानी यहाँ पर 4 रुपये 50 पैसे मजदूरी मिलती है 35 लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। सो गाइज यहाँ पर 35 लोग नंबर ऑफ पर्सन यानी फ्रिक्वेंसी कहलाएंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो वैल्यूज़ डाली हुई है वो यही एक्स वैल्यूज़ हमारी 4.5 5.5 एंड सो ऑन। और इसी तरह से नंबर ऑफ पर्सन फ्रिक्वेंसी में हमें डाला है 35 40 48 100 125 एंड सो ऑन। तो गाइज यहाँ पर हम अपनी स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहले ए डिटरमाइन करिए, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट मेथड के साथ साथ डायरेक्ट मेथड के साथ भी काम किया गया है, तो हम केवल क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड पर ही बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट मेथड की ही गणना करेंगे। देखिए यहाँ पर जो ए अज्यूम किया गया है वो 8.5 अज्यूम किया हुआ है, देखिए, जो कि हमने क्वेश्चन में से ही लिया है, जो ही मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप प्रश्न में से ही किसी एक संख्या को ए अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया है। डेविएशन लीजिए 4.5 माइनस 8.5 माइनस का 4, इसी तरह से 5.5 माइनस 8.5 इट इज़ माइनस का 3 एंड गाइस सो ऑन। इसी तरह से सारे डेविएशंस कैलकुलेट किए गए हैं। नाउ अब इस डेविएशन का टोटल मत कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यही कन्फ्यूज़न होगा, ये काम हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में किया था, तो यहाँ पर हमें डेविएशन का टोटल नहीं करना है, हमें यहाँ पर इन डेविएशन को उसकी संबंधित फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पर हमारा डी एक्स है माइनस का 4 और यहाँ पर जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो 35 है, तो 35 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा माइनस का 140। इसी तरह से 40 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 3 से तो आएगा माइनस का 120। इसी तरह से 48 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 2 से तो गाइज आएगा माइनस का 96। इसी तरह से आप पूरी एफ डी एक्स क्रिएट कीजिए और अब इसका टोटल कर लीजिए। देखिए टोटल आया है माइनस का 217। ध्यान दीजिएगा कॉलेज लेवल पर कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, तो आप कैलकुलेटर की सहायता से कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यूज़ हैं, ये ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगा, इसलिए आप यहाँ पर एक भी वैल्यू गलत होते ही आपके आगे का सारा क्वेश्चन सारा सॉल्यूशन गलत होगा। तो गाइज ध्यान दीजिएगा कि कैलकुलेशन में आप कहीं कोई मिस्टेक ना करें। फॉर्मूला यूज़ लीजिए एक्स बार का, हमारा इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ए जो हमारा है 8.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स जो हमने कैलकुलेट किया है माइनस का 217 डिवाइडेड बाय एन, एन यहाँ पर है नंबर ऑफ आइटम्स यानी हमारी टोटल ऑफ द फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का टोटल जो है वो 500 है, तो हमने यहाँ पर 500 पुट किया और फाइनली गाइस जो हमारा आंसर निकला है वो 8.07 का निकला है। तो यानी यहाँ पर जो एवरेज मजदूरी है, जो एवरेज वेजेस दिया जाता है वो है 8 रुपए के करीब, यानी यहाँ सभी मजदूरों को 8 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैं एक बार आपको नोटिस करवा दूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से भी काम किया है और डायरेक्ट मेथड से भी हमारा जो आंसर निकला है वो 8.07 ही है, तो यानी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही निकलता है। तो गाइज आगे चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज पर। इनडायरेक्ट मेथड इन कंटिन्यूअस सीरीज स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिटरमाइन करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूं, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है तो मिड वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसी मिड वैल्यूज को हम एक्स वैल्यू कहेंगे, कैपिटल एक्स वैल्यू कहेंगे। तो गाइज यहाँ पर यहाँ आपको मिड वैल्यूज निकाल कर ए अज्यूम करना होगा, उसके बाद डिविएशंस लेने होंगे, उसके बाद फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि हमने सेम स्टेप्स फॉलो किए हैं डिस्क्रीट सीरीज में भी। फाइनली हमें समेशन करना होगा, सिग्मा एफ डी एक्स हमें मिल जाएगा और फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि होगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी वही सारी स्टेप्स हैं जो कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में फॉलो की थी। केवल हमें एक काम अतिरिक्त यहाँ करना होगा और वो है कि मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, तो आपको यहाँ पर मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होगा। देखते हैं जल्दी इक्वेशन की तरफ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पेड़ों की लंबाई और पेड़ों की संख्या, ये हमने डायरेक्ट मेथड में भी सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसे ही हम शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड में भी ले रहे हैं। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया है।
मैंने आपको बताया था गाइस, क्योंकि यहाँ पर से कम वाली सीरीज है, लेस देन वाली सीरीज है, तो आपको x किस तरह से क्रिएट करना है और f किस तरह से क्रिएट करना है, एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ। क्योंकि यहाँ पर से कम वाली सीरीज है तो ध्यान दीजिए, 7 से कम, 14 से कम, 21 से कम, 28 से कम एंड सो ऑन वैल्यूज गिवन है, यानी फ्रिक्वेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग गिवन है। तो इसलिए यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपनी सीरीज़ को लेकर आएंगे तो आप क्लासेस बनानी होंगी, यानी जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं तो हमें क्लासेस तो चाहिए ही। तो हमने यहाँ पर 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, इसी तरह से हमने यहाँ पर सारी क्लासेस बना दी, क्योंकि हमारा 56 फिट से कम तक है। तो हमने 56 फिट से कम तक की ही क्लासेस बनाई है, 49 से लेकर 56 की हमारी लास्ट क्लास रखी है। हमने यहाँ पर मिड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं, तो यहाँ मिड वैल्यूज़ आसानी से आपको कैलकुलेट करना आता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। नाउ फ्रिक्वेंसी के लिए आपको फिर बता देना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो लेस देन वाली फ्रिक्वेंसी गिवन है और हमें पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो करंट फ्रिक्वेंसी माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी, तो 26 माइनस 0 26, नाउ करंट फ्रिक्वेंसी 57 माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी 26, ये हो गया 31। सेम करंट फ्रिक्वेंसी 92 माइनस प्रीवियस फ्रिक्वेंसी 57, ये हो गया 35। तो इसी तरह से गाइस सारे ही फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर dx कैलकुलेट करने के लिए a हमने डिटरमाइन कर लिया है, जो हमारा मिड वैल्यू है हमने उसी को ही मान लिया है, मिड वैल्यू ही हमारी x है और इसी x सीरीज में से हमने यहाँ पर एक a वैल्यू डिटरमाइन की है जो है 31.5। सो गाइस डेविएशन लेते जाइए, 3.5 माइनस 31.5, देखिए माइनस का 28 यहाँ पर होगा, सेम 10.5 माइनस 31.5, देखिए यहाँ पर माइनस का 21 होगा, इसी तरह से 17.5 माइनस 31.5, यहाँ माइनस का 14 होगा। तो गाइस इसी तरह से सारे डिविएशंस आपको कैलकुलेट करने होंगे। आप इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारिए और उसे सेल्फ एक बार मेरे समझाने के बाद सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइस इस तरह से सारे ही डिविएशंस हमने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए डिविएशन का टोटल नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए एफ डी एक्स और उसका टोटल। तो यहाँ पर हमने एफ डी एक्स कैलकुलेट किया है, यहाँ देखिए जो हमारा डी एक्स है उसको संबंधित फ्रिक्वेंसी से गुणा कीजिए, यानी 26 ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ गई, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 28 से, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी माइनस का 728। इसी तरह से यहाँ पर हमारा डी एक्स है प्लस का 7 और यहाँ पर हमारी जो फ्रिक्वेंसी है 71, तो 71 को प्लस के 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा जो आएगा वैल्यू वो है प्लस का 497। तो गाइज इसी तरह से हर फ्रिक्वेंसी को उसके रिलेटेड डिविएशन से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस तरह से हमारा एफ डी एक्स क्रिएट हो जाएगा। इस एफ डी एक्स का हमें टोटल निकालना होगा और यहाँ पर एफ डी एक्स का टोटल है माइनस का 511, यानी हमारे सिग्मा एफ डी एक्स निकल रहा है माइनस 511। तो गाइस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, शॉर्टकट मेथड से हम काम कर रहे हैं तो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, हमारा ए है 31.5 प्लस माइनस का 511, ये हमारा सिग्मा एफ डी एक्स है और हमारे जो एन है वो है सिग्मा एफ 360। तो गाइज ये 360 हमने यहाँ से लिया। इस तरह से सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप अपना आंसर निकालेंगे और वो आंसर होगा 30.08, यानी यहाँ पर जो पौधे हैं उनकी एवरेज लंबाई है 30 फिट की, लगभग 30 फिट की हमारी एवरेज लंबाई होगी। तो गाइस ये कुछ इस तरह से हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। आप एक डिफरेंट अज्यूम मीन के साथ फिर से कोशिश कीजिएगा, देखिएगा सेम आंसर हमारा कैलकुलेट होगा। तो गाइस इस तरह से आज हमने सीखा कि इनडायरेक्ट मेथड में किस तरह से अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन किया जाता है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो या कंटिन्यूस सीरीज हो। सो गाइज हमारे वीडियो यदि आपको पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फाइनली गाइज
थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज।